आज IPL में क्वालिफाई मुकाबला राजस्थान और गुजरात के बीच खेला गया, जहां पर गुजरात ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करने का फैसला किया। टॉस हारकर पहले बैटिंग करने आए राजस्थान की शुरुआत खराब रही। यशस्वी जायसवाल 8 गेंदों पर 3 रन बनाकर आउट हुए। हालांकि उसके बाद आए संजू सैमसन ने जोश बटलर के साथ 8 की साझेदारी की और 26 गेंदों पर 47 रन बनाकर आउट हुए। उसके बाद आए देवदत्त पेटिकल ने 20 गेंदों पर 28 रनों की पारी खेली, जबकि जोश बटलर ने 56 गेंदों पर 89 रनों की पारी खेली और 12 चौके और 2 छक्के लगाए। राजस्थान के लिए सिमरन नेटमायर और रियान पराग ने 4-4 रन बनाए, जबकि आखिरी में रविचंद्रन अश्विन 2 रन बनाकर नाबाद रहे। इस प्रकार राजस्थान ने 20 ओवरों में 128 रनों का स्कोर खड़ा किया। 189 रनों के टारगेट का पीछा करते हुए गुजरात की शुरुआत खराब रही। रिद्धिमान शाह 2 गेंदों पर बिना खाता खोले आउट हुए। उनको ट्रेंट बोल्ट ने आउट किया। उसके बाद सुमन गिल और मैथ्यू वेड ने मिलकर 8 की साझेदारी की। हालांकि सुमन गिल रन लेने के चक्कर में रन आउट हो गई। सुमन गिल और मैथ्यू वेड ने 35 रन बनाई। हालांकि सुमन गिल ने 21 गेंदों का सामना किया, जबकि मैथ्यू वेड ने 30 गेंदों पर 35 रनों की पारी खेली। उसके बाद बैटिंग करने आए हार्दिक पांड्या और डेविड मिलर ने शानदार बल्लेबाजी की। दोनों के बीच 8 की साझेदारी हुई और उसके बाद आखिरी में दोनों ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए गुजरात को जीत दिला दी और इसी के साथ गुजरात ने फाइनल का टिकट कटा लिया है। अब 29 मई को दूसरे क्वालिफायर में विजेता टीम के साथ गुजरात टाइटन की भिड़ंत होगी, जो कि 29 मई को खेला जाएगा। तो दोस्तों, आपके अनुसार गुजरात के साथ दूसरी टीम कौन सी फाइनल में पहुंचेगी, हमें कमेंट में जरूर से बता दीजिएगा। और IPL की इसी प्रकार की खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। धन्यवाद।